દિલ્હીથી પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ અને માસ્કનો જથ્થો આજે દિલ્હીથી આવશે. આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ ડોક્ટર જયંતિ રવિએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં કોરોનાનું સંક્રમણ અટકે એ માટે આરોગ્ય સેનાનીઓ દ્વારા હોમ ટુ હોમ અને ટેલિફોન સર્વેલન્સ ટ્રેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે સંદર્ભે 4 કરોડથી વધુ નાગરિકોને આવરી લેવાયા છે અને જેમાં તાવ, ઉધરસ કે અન્ય લક્ષણો જણાય તો સામેથી કોન્ટેક્ટ કરી તેમને સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. हमारे पास जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं उसकी संख्या 6 की है. ऐसे करके कुल गुजरात भर में 53 जितने पॉजिटिव केसेस हैं. इसके साथ एक सारा समाचार ये भी है कि 3 जितने हमारे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो अभी 2 बार उनका चेक किया गया है 24 घंटे के अंतर में, और दोनों बार ये नेगेटिव आया है. यानी इसका मतलब है कि ये बिल्कुल उनका जो वायरल लोड है कम हो गया है, अब ये ठीक हो गए हैं, तो ये डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हैं. ये तीनों केसेस बड़ौदा के हैं. और इसके अलावा आज ये भी कहना चाहेंगे कि जितने टोटल टेस्टिंग की संख्या है 993 जितने केसेस हमने टेस्ट किए हैं, उसमें से 53 पॉजिटिव, 938 नेगेटिव और 2 कन्फर्मेशन के लिए पेंडिंग है. टोटल हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन की संख्या है उसमें भी थोड़ी संख्या में कमी हुई है, इस वजह से कि 14 दिन काफी सारे केसेस में पूरे होने लगे हैं. और इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स, ड्रग्स, जो N95 मास्क हैं, PPE किट्स हैं, ट्रिपल लेयर मास्क, ये सब उपलब्ध हैं. एक पूरी हवाई जहाज भर के एयर कार्गो से भी आज मास्क, PPE वगैरह आ रहे हैं, उसकी भी एक उपलब्धि यहाँ हो जाएगी. और लास्ट में आपकी जो भी आरोग्य और मेडिकल सर्विसेज से लगते आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आपको कुछ सूचना भी चाहिए हो तो 104 का आप संपर्क करें. इसके अलावा बाकी जो विषय हैं, यानी कि लॉकडाउन के संदर्भ में या फिर एसेंशियल कमोडिटीज के संदर्भ में वगैरह, उसके लिए 1070 स्टेट कंट्रोल, राज्य कंट्रोल रूम के लिए, और 1077 जिला कक्षा के कंट्रोल रूम के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हमने एक ईमेल अकाउंट भी खोला है, askexpertcovid19@gujarat.gov.in. इस पर, ये हमारे ट्विटर हैंडल पर भी आपको मिलेगा, आपके कोई भी मन में आपके कोई शंका, प्रश्न, कुछ डाउट्स हो तो आप जरूर लिखिएगा, कुछ सजेशंस हो तो भी आप लिख सकते हैं, और इसके जो जवाब हैं या कुछ एक्शन लेना होगा तो हम जरूर इससे आगे करेंगे. आज जो नए केस 6 आए हैं उसमें से 1 वडोदरा जिला का है, पुरुष हैं जो 66 उम्र उनकी है और ये यूके से आए हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवल के बाद. इसके अलावा 1 गांधीनगर का एक पॉजिटिव केस है जो 81 वर्ष के हैं, ये भी लोकल ट्रांसमिशन है. वैसे ही महसाना में एक पुरुष है 52 साल के, ये भी लोकल ट्रांसमिशन का है. अहमदाबाद में एक 70 ईयर ओल्ड पुरुष का पॉजिटिव केस आया है जो अंतर राज्य यानी इंदौर से आए हैं, उनका पॉजिटिव निकला है. और उसके अलावा 1 अहमदाबाद के पुरुष 33 साल के हैं, उनका भी लोकल ट्रांसमिशन है. और वैसे ही अहमदाबाद में 1 स्त्री है, 45 वर्ष की आयु है उनकी, और वो भी लोकल ट्रांसमिशन से आया है. इस तरह से ये 6 केस का ब्रेकअप है आज का. तो फिर से आप सबके जवाबदार, एक आपने जो अदा किया है अपनी जवाबदारी, अब तक एकंदर गुजरात में परिस्थिति काबू में है और अच्छी तरह से हमारी प्रोग्रेस चल रही है बाकी देशों के मुकाबले, बाकी राज्यों के मुकाबले. और हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि इसी तरह से बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर आप सब अपनी जवाबदारी अदा करें तो हम बिल्कुल ये जो एक पैंडेमिक महामारी की जो एक परिस्थिति है उसको हम स्मूथली इसका सामना कर पाएंगे. तो पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है, पर बिल्कुल पूरी सावधानी के साथ, सावचेती के साथ हम सबको एक साथ रह के इसमें आगे बढ़ना है. नमस्ते.